मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्टैंडर्ड सेकंड के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 4 के बारे में बताऊंगी। हमने आगे क्या पढ़ा था, अलग अलग शेप्स पढ़े थे, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी देखी थी और उसके बाद उसके सॉलिड शेप पढ़े थे। तो हमारा चौथा सॉलिड शेप है वो कौन सा है, सिलेंडर है। तो सिलेंडर में यहाँ पर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से सिलेंडर दिखाया जाता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कोक कैन। कोई भी हम कोल्ड ड्रिंक्स के कैन लेते हैं तो वो कौन से शेप में होता है, सिलेंडर शेप में होता है। फिर कैंडल ले लो, कोई भी कैंडल ले लो, वो भी सिलेंडर शेप में होती है। फिर ट्यूबलाइट ले लो या फिर सेल ले लो, कोई भी ऐसे ले लो जो गोल हो और लंबा हो, उसे क्या बोलते हैं, सिलेंडर शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। सिलेंडर में कैसा होता है, दो कर्व शेप होते हैं, यानी कि कर्व्ड एज, इसे क्या बोलते हैं, कर्व्ड एज। और ये कौन सा होता है, फ्लैट फेस होता है। कौन सा होता है, फ्लैट। और ये कर्व फेस होता है कि उसको रोल करो तो ऐसे लुढ़क जाए, उसे कौन सा बोलते हैं, कर्व्ड फेस। और ये क्या है, फ्लैट फेस। दो फ्लैट फेस होते हैं, एक कर्व्ड फेस होता है और दो कर्व्ड एज होती है। तो यहाँ पे क्या हमें प्रॉपर्टी में दिखाया गया कि अ सिलेंडर हैज़ वन कर्व फेस, टू फ्लैट फेस और टू कर्व एज। दो कर्व एज होती है और वर्टिसाइज नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सिलेंडर में एक कर्व्ड फेस होता है, दो फ्लैट फेस होते हैं, दो कर्व्ड एज होती है और वर्टिसाइज नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं, सिलेंडर। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा है शेप, कोन। तो कोन किसे बोलते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, फोनल होती है, हम जिसमें से लिक्विड मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फोनल। तो यहाँ पे फोनल है वो कोन शेप में होती है। फिर आइसक्रीम कोन होता है, उसमें भी वो कोन शेप का होता है। कोन शेप का मतलब क्या होता है, ऊपर से बड़ा और फिर उसके बाद छोटा होता जाएगा। फिर बर्थडे केक, वो भी क्या होती है, कोन शेप में होती है। तो कोन शेप की प्रॉपर्टी क्या क्या है, एक वर्टेक्स होता है, ये कर्व्ड फेस होता है, ये फ्लैट फेस होता है और कर्व एज होती है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, अ कोन हैज़ वन कर्व फेस, वन फ्लैट फेस, वन कर्व एज और वन वर्टेक्स। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, अ कोन हैज़ वन कर्व्ड फेस, वन फ्लैट फेस, वन कर्व्ड एज, वन वर्टेक्स, ये सारों वन वन होते हैं। तो ये इसको क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 112, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमें क्या करना है, शेप को मैच करना है, कौन कौन सा शेप है। तो फर्स्ट क्या है, नीचे वाला और ऊपर वाला। नीचे वाला है वो क्यूबॉइड है और ऊपर वाला है वो सिलेंडर है। तो यहाँ पे क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, तो हम यहाँ पे एरो करके मैच कर लेंगे। फिर सेकंड क्या है, ये कौन सा शेप है, क्यूब, और ये कौन सा है, सिलेंडर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यूब और सिलेंडर जिसमें होगा उसके साथ हम मैच कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, ये कौन सा है, क्यूब, ये कौन सा है, स्पीयर। तो क्यूब और स्पीयर जिसमें होगा हम उसके साथ मैच कर लेंगे। फिर ये कौन सा है, क्यूबॉइड, और ये कौन सा है, कोन। तो क्यूबॉइड जिसमें होगा, कोन जिसमें होगा, उसके साथ हम मैच कर लेंगे। अगर आप लोगों को शेप अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग आगे जाके उसकी प्रॉपर्टी के साथ मैच करके फिर आप लोग मैच यहाँ पे करना। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर्कल द करेक्ट शेप, यानी कि जो करेक्ट शेप होगा उसके ऊपर सर्कल करना है। हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा शेप है। तो ये कौन सा है, बॉल। बॉल कौन से शेप में होता है, स्पीयर में। तो यहाँ पे हम स्पीयर के ऊपर सर्कल करेंगे। फिर सेकंड है, ये कौन सा है, कोन। तो हम किसके ऊपर, कोन के ऊपर सर्कल करेंगे। ये क्या है, क्यूब। तो क्यूब के ऊपर सर्कल करेंगे। ये कौन सा है, क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब के ऊपर सर्कल करेंगे। ये कौन सा है, सिलेंडर। तो सिलेंडर के ऊपर सर्कल करेंगे। ये कौन सा है, स्पीयर। तो स्पीयर के ऊपर सर्कल करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को एक्सरसाइज 2 है वो अपने हिसाब से टेक्स्ट बुक में फिलअप करनी है।